हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। ओके, टुडे वी हैव प्राउड रिलेटेड नंबर 1 एंड 2। वी हैव मोर एक्टिविटीज एंड वर्कशीट इन फ्रंट ऑफ यू, सो वेल लिसन बी केयरफुली एंड डन इट वेल। ओके चिल्ड्रेन, इसके पहले हमने आपको वीडियो में 1 और 2 लिखने का तरीका बताया था, वो भी पैटर्न्स की हेल्प से, 1 स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से एंड 2 कर्व एंड स्लीपिंग लाइन की हेल्प से। तो आज 1 और 2 की एक्टिविटी और वर्कशीट आपको हम बता रहे हैं कैसे करना है। माय फर्स्ट वर्कशीट इज दिस। इस वर्कशीट में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 2 1 ऐसे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस वर्कशीट में नंबर्स लिखे हुए हैं। इसको मैच द सेम नंबर्स, इसको सेम नंबर से आपको मैच करना है। अब आपने इतनी प्रैक्टिस करी है तो आपको 1 और 2 पहचानना आ गया होगा, तो अब आपको 1 और 2 नंबर को मैच करना है स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से। 1 पे हम ये देखेंगे, यहाँ पर 1 है, फिर इधर वाले रो में देखेंगे कि 1 कहाँ पे है। इधर वाले 1 को इधर वाले 1 से हमें मैच करना है स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से। अब यहाँ पे मैंने रखा और देखा ये 1 ऐसे मैच किया, ऐसे फिर 2 को भी मैच करेंगे। Where is 2? Here is 2 and here is 2. So match it. Yes. Again 1 and 1. Here is 1 and here is 1. Match it with slanting line. Here is 2 and here is 2. Match it. Slanting. तो इसको करने में आपको बहुत ही मन लगेगा, क्योंकि आपको स्लैंटिंग लाइन बनानी आती है और आप 1 से 1 को मैच कर लेंगे। माय नेक्स्ट वर्कशीट इज दिस। इस वर्कशीट में आपको इनसर्कल द नंबर 2, इसमें आपको 2 नंबर को इनसर्कल करना है, मतलब सर्किल में करना है। अब आप पहचानते हैं 2 नंबर कहाँ है। वेयर इज 2 नंबर, हेयर इज 2 नंबर एंड हेयर इज 2 नंबर एंड हेयर इज 2 नंबर। सो इस 2 नंबर में सर्कल बनाना है, आप क्रेयॉन या पेंसिल की हेल्प से सर्किल बना सकते हैं ऐसे। फिर आप देखिए 2 नंबर कहाँ है, और फिर आप 2 नंबर को पहचानिए और उसको सर्किल करिए। अगेन 2 नंबर को सर्किल करना है आपको, इस तो आपने देखा 2 वर्कशीट आपकी, एक मैचिंग, दूसरा इन सर्किल। एंड थर्ड एक्टिविटी आपके लिए मैंने प्रिपेयर की है। माय नेक्स्ट एक्टिविटी इज दिस। इसमें आपको मैच द ऑब्जेक्ट, इसमें आपको नंबर्स को ऑब्जेक्ट के से मैच करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1 नंबर जब पढ़ते हैं तो 1 ऑब्जेक्ट होता है, 1 थिंग होती है, 1 आपका एक्टिविटी, 1 थिंग, 1 ऑब्जेक्ट, 1 पिक्चर। और वैसे ही 2 में 2 थिंग, 2 ऑब्जेक्ट, 2 पिक्चर। तो आप देखिए 1 है तो यहाँ पर 1 पिक्चर बनी हुई है, तो इस 1 को हम इस 1 से मैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लैंटिंग लाइन इस तरह। एंड देन 2 नंबर को 2 वाले पिक्चर से मैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लैंटिंग लाइन। और इसको आपको कलर भी करना है, जब आप इसको कलर करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आप इसको इस तरह से अच्छे से घर में ऐसे करके
कलर भी करें। इस तरह से आपको पिक्चर्स को कलर भी करना है। देन फोर एक्टिविटी इज माई नेक्स्ट एक्टिविटी इज दिस। इसमें आपको फाइंड नंबर वन, जहां पर नंबर वन लिखा है उस स्क्वायर को आपको फाइंड करना है, उस बॉक्स को फाइंड करना है और उसको रेड कलर से कलर करना है। जहां भी आपको वन नंबर दिख रहा है उस वाले बॉक्स को, ये बॉक्स स्क्वायर शेप में बना हुआ है, स्क्वायर शेप भी आप पढ़ चुके हैं, तो जहां भी आपको वन नंबर दिख रहा है बॉक्स में, उस बॉक्स को किससे कलर करना है? रेड कलर से। रेड कलर भी आप पहचानते हैं क्योंकि आप कलर्स भी पढ़ चुके हैं, तो आपको रेड कलर से कलर करना है इस बॉक्स को, वन वाले बॉक्स को। अब विच नंबर इज दिस? दिस इज टू, तो इसको कलर नहीं करना है। विच नंबर इज दिस? दिस इज वन, ये वन है, इसको क्या करना है? रेड कलर से कलर करना है। तो हम इस बॉक्स को हमको ऐसे करके कलर करना। देन विच नंबर इज? दिस इज टू नंबर, इसको कलर नहीं करना है। देन विच नंबर इज दिस? दिस इज वन नंबर, इसको भी हमें कलर करना है। किस कलर से करना है? रेड कलर से। और इसको भी हम इस तरह से कलर करना। नेक्स्ट विच नंबर इज दिस? दिस इज टू नंबर, इसको कलर नहीं करना है। एंड नेक्स्ट विच इज दिस? दिस इज वन नंबर, और इसको हमें कलर करना है रेड कलर से। सो आपने देखा कि आपको मैंने फोर वर्कशीट बताई है। इन वर्कशीटों को आप अच्छे से करिए, इंजॉय करिए, कलर करिए और वन टू नंबर की प्रैक्टिस करिए। सो नाउ योर होमवर्क इज लर्न नंबर्स वन टू एंड कलर ऑल द पिक्चर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी सेफ बी सिक्योर, स्टे एट होम, बाय बाय।